दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार ने 3 दिन में तीसरा एक्शन लेते हुए अस्थायी तौर पर कनाडा के लोगों के लिए वीजा बैन कर दिया है। कानपुर के जीएसटी कमिश्नर ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने से हुआ है ट्रांसफर। मंडला में शिक्षिका ने प्रेमी से शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने अंतिम मुलाकात के बुलाया और कर दी हत्या। सतना की नादन पुलिस ने लग्जरी कारों से की जा रही गांजा की तस्करी पकड़ी है, जिसमें 38 किलो गांजा सहित 2 कार जब्त की। उज्जैन में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच में जुटी है। सीएम शिवराज ने ओमकारेश्वर में किया 108 फीट स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रतिमा का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, महिला किसान का सीएम ने खुद भरा फॉर्म। मऊगंज जिले के घोराहा महुआ जंगल में गोवंश की हत्या कर खाने के लिए ले जा रहा था मांस, पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। रीवा में छोटी दरगाह में घुसा नशेड़ी, वर्ग विशेष के लोगों ने युवक को पीटा और मामला दर्ज करने के लिए थाने का घेराव किया। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।